नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ आरती। भारतीय राजनीति में इन दिनों दो नाम जो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं वो है पीएम नरेंद्र मोदी और उनके सबसे करीबी दोस्त अमित शाह। कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी जहाँ भी कदम रखती है विरोधियों की धज्जियाँ उड़ा देती है। मोदी जहाँ सबके सामने जाकर अपना पासा फेंकते हैं तो अमित शाह उनके पीछे रहकर उसकी पूरी रणनीति को तैयार करते हैं। गुजरात में लगातार तीन बार सत्ता संभालने के बाद जब मोदी ने दिल्ली का रुख किया तो अमित शाह भी दिल्ली आ गए और मोदी ने उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी की पूरी कमान सौंप दी। केंद्र में मोदी और अमित शाह की जोड़ी लगातार पार्टी के विजय रथ को आगे बढ़ाती रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोदी अमित शाह की दोस्ती करीब 36 साल पुरानी है? साल 1982 में मोदी जब पहली बार अमित शाह से मिले थे तो मोदी उन दिनों आरएसएस के प्रचारक थे और अमित शाह अहमदाबाद कॉलेज में पढ़ते थे और एबीवीपी के सदस्य थे। अमित शाह तभी से मोदी के बात करने की शैली और मोदी अमित शाह के प्रबंधन को देखकर प्रभावित हो गए थे। मोदी और अमित शाह दोनों मिलकर संघ की विचारधारा को बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने लगे। एक बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। इसी दौरान अमित शाह ने एक ऐसी बात कही जिसको जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। आपको यकीन नहीं होगा कि 1990 यानी 28 साल पहले ही अमित शाह ने मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र भाई, अब आप भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाओ। समय के साथ साथ ये दोस्ती और गहरी होती गई। अब तो जहां मोदी वहां अमित शाह होते थे। साल 2001 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अमित शाह को गृह मंत्री बनाया। हालांकि इस दोस्ती में एक समय ऐसा भी आया जब अमित शाह को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में जेल जाना पड़ा। इस मामले की सुनवाई के दौरान अमित शाह को गुजरात तक छोड़ना पड़ा था। वो दो साल तक गुजरात में घुस भी नहीं पाए थे। इस मुसीबत के वक्त में मोदी ने अपनी दोस्ती को बखूबी निभाया। कहते हैं कि अमित शाह की गैर मौजूदगी में मोदी ने उनके परिवार का पूरा जिम्मा उठा लिया था। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने लड़ा तो मोदी के नाम पर था, लेकिन इसके नायक रहे अमित शाह। कितनी दिलचस्प बात है ना। एक तरफ जहां मोदी अपनी वाक्पटुता और तड़क भड़क से लोगों को आकर्षित करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शाह चार दीवारी के भीतर सियासी चक्रव्यूह रचने में माहिर हैं। वो मोदी को बखूबी समझते हैं और उन्हें मोदी। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।